उसका काम में विरोध करना हर चीज का, ये अच्छा काम हुआ ना। हम लोग भी नमाज पढ़ते हैं, दिक्कत होती थी थोड़ा नमाज पढ़ने में अपना केबिन में, दिया गया है। मैं इसका विरोध नहीं करता हूँ, लेकिन मेरा आग्रह है कि सर्व धर्म संभाव की भावना को देखते हुए वहाँ पर विधानसभा परिसर के अंदर एक मंदिर का भी निर्माण होना चाहिए, ताकि बहुसंख्यक विधायक हैं जो देवी देवताओं को पूजा करते हैं, साथ में 700-800 वहाँ कर्मचारी हैं, तो मंदिर होने से लोगों को भक्ति का भाव भी जगेगा और प्रेरणा भी मिलेगी। खासकर यदि वहाँ बजरंग बली का विशालकाय मूर्ति लगता है, मंदिर बनता है, तो उनसे शक्ति भी प्राप्त होगी और एक भक्ति का भाव भी पैदा होगा। क्योंकि बजरंग बली आप सब जानते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी के परम भक्त थे, तो इसलिए मैं आग्रह कर रहा हूँ कि तुष्टिकरण की नीति न अपनाएं। मुझे लगता है ये ढोंगी लोग, इनको धर्म से कोई मतलब नहीं। हनुमान जी के मंदिर बनाने की बात करते हैं, ये हनुमान चालीसा बढ़िया से नहीं पढ़ पाए। ये व्यवस्था जो दी गई है वो पुराने विधानसभा में भी, कोई नई बात नहीं है। देखिए, मुझे लगता है यह कोई विवाद नहीं है, यह भारतीय जनता पार्टी की नीच मानसिकता का, संकीर्ण सोच का घोतक है। ये व्यवस्था आज का नहीं है, ये व्यवस्था पूर्ववर्ती सरकार में भी थी। हाँ, ये जरूर था कि पूर्ववर्ती सरकार में जो नोटिफिकेशन है वो नोटिफिकेशन सार्वजनिक नहीं हुआ था, लेकिन पता नहीं कि ये नोटिफिकेशन किस प्रकार सार्वजनिक हो गया। आप देखें कि बगल के पड़ोसी राज्य हमारा बिहार है, उस बिहार में भी जहाँ जदयू और भारतीय जनता पार्टी की समन्वय से सरकार चल रही है जी, वहाँ भी ये व्यवस्था कायम है। और जब झारखंड और बिहार एक था उस वक्त भी ये व्यवस्था कायम थी। तो हमें लगता है कि ये कोई बहुत बड़ी घटना नहीं घटी है, लेकिन चूंकि भारतीय जनता पार्टी को अब धर्म संप्रदाय मंदिर मस्जिद के नाम पर राजनीति करनी है, तो अब ये लोग अपना बड़बोलापन का बयान देते हुए ये लोग राजनीति कर रहे हैं।